अब से थोड़ी देर पहले जब आधी दुनिया सो रही थी, ईरान ने सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ईरान के ऐतिहासिक जामकरण मस्जिद पर एक बार फिर से लाल झंडा फहराया गया है और इस लाल झंडे का साफ मतलब है जंग का ऐलान। इससे पहले 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा फहराते हुए अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 3 साल के अंदर यह दूसरा मौका है जब ईरान ने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है। टारगेट कौन है? टारगेट है सऊदी अरब। तो यह बहुत बड़ी खबर है, ईरान की तरफ से सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया है। जामकरण मस्जिद के ऊपर की तस्वीर आप देखिए, लाल झंडा जो आपको फहराता हुआ जामकरण मस्जिद के ऊपर नजर आ रहा है, ये इस बात का संकेत है, ये इस बात को बता रहा है कि जंग का ऐलान ईरान की तरफ से किया गया। आपको यह याद दिलाना चाहेंगे जो अभी हमने आपको बताया साल 2020 में। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ इसी तरह से जामकरण मस्जिद यानी कि इसी मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहराकर जंग का ऐलान किया गया था और अब ईरान की तरफ से सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया है। सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने इसी तरह से लाल झंडा फहराया था और अब एक बार फिर से लाल झंडे का मतलब क्या है? ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, इस झंडे को आप देखिए और इसे आप समझिए कि ईरान की तरफ से जब कभी ऐसा किया गया तो उसका मतलब क्या था। जामकरण मस्जिद के ऊपर लाल झंडे का मतलब है जंग का ऐलान, बदले कि फिराक में अब ईरान है, बदला लेना चाहता है जो इससे पहले कासिम सुलेमानी की ड्रोन अटैक में हत्या की गई थी उसके बाद अमेरिका के खिलाफ इसी तरह से जंग का ऐलान किया गया था। एक बार फिर से आपको बता दे TV9 भारतवर्ष पर आज की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आपको बताना चाहेंगे कि ईरान ने जंग का ऐलान किया है और यह जंग का ऐलान सऊदी अरब के खिलाफ किया है, एक और जंग। दुनिया पहले से ही एक बड़ी तबाही को देख रही है जो यूक्रेन में हो रहा है, वॉर जोन में हो रहा है, और एक और बड़ी तबाही अब तैयार होती नजर आ रही है। जामकरण मस्जिद के ऊपर ईरान ने लाल झंडा फहराया है और ये सऊदी अरब के खिलाफ जंग का ऐलान है। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की है जिसमें कहा गया है कि ईरान सऊदी में कई टारगेट हमला कर सकता है। इस जानकारी के सामने आते ही खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सऊदी और अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। सऊदी को किस तरह की जानकारी मिली है इसके बारे में अधिकारियों ने नहीं बताया है। सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि सितंबर से ही ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं। घरेलू कलह से ध्यान हटाने के लिए ईरान सऊदी अरब पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन चेतावनियों के बारे में चिंतित हैं और अगर ईरान ने हमला किया तो वे जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान का आरोप रहा है कि सऊदी अरब उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इस बीच ईरान के कोम शहर की ऐतिहासिक जामकरण मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। माना जा रहा है कि ईरान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और ये लाल झंडा बदले और खून का संकेत है। 2020 में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान में पहली बार ऐतिहासिक मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।